तो इस वीक निफ्टी ने शुरुआत में थोड़ा सा निराश किया, लेकिन लास्ट डे जो क्लोज मिला हम लोगों को, फ्राइडे के जो क्लोज मिला उससे ये डिपिक्ट हो रहा था कि वापस निफ्टी रेडी है ऊपर बढ़ने के लिए। बैंक निफ्टी ऑफ कोर्स आउट परफॉर्म कर रही है, और बैंक निफ्टी के प्राइस और वॉल्यूम मूवमेंट में कुछ चीज छुपी हुई थी जो हम आज डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे क्रूड ऑयल के बारे में, देखेंगे यूएसडी आईएनआर कैसे बिहेव कर सकता है। ऑफकोर्स काफ़ी कंसर्निंग है, यूएसडी आईएनआर जिस ढंग से बढ़ रहा है वो कैसा बिहेव कर सकता है। साथ ही साथ नज़र डालेंगे सेक्टर्स पे, उन सेक्टर्स पे जो कि नेक्स्ट अगर बुल रन यहाँ से शुरू होती है तो उस बुल रन को कौन से सेक्टर्स जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कौन से सेक्टर्स में आपको एलोकेटेड रहना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। चार्ट क्या बोलता है हमारी वीकली एनालिसिस सीरीज है, जहां पर हम चार्ट्स को देखकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले हफ्ते में मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोगों को कैसे अपने आप को प्लेस करना है मार्केट के साथ। सो नेक्स्ट वीक यानी कि 18th of July 2022 मार्केट्स में कैसे अपने आप को प्लेस करें ये देखेंगे आज के एपिसोड में, बने रहिएगा। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो या आपने पहले देख रखा है और किसी कारण से आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहला काम आपको करना है नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वेल, अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो अपने सुझाव अपने विचार नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को लाइक करिए और सबसे इंपॉर्टेंट है शेयर करना। फ्रेंड्स शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ जो इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए, सीख कर ट्रेड करने के लिए, स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए, उनके साथ हमारे चैनल को जरूर शेयर करिए। आप उनसे मिलते हैं मॉर्निंग वॉक में, मिलते हैं जिम में, मिलते हैं ब्रेकफास्ट में, मिलते हैं इवनिंग में, मिलते हैं चाय पे, मिलते हैं पार्टीज में, मिलते हैं। अगर स्टॉक मार्केट की चर्चा हो रही है तो हमारे चर्चा जरूर उनसे करें और हमारे चैनल को शेयर करें। तो इसी के साथ जल्दी से अपने चार्ट्स को पुल अप करते हैं और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी के वीकली चार्ट को देखकर सबसे पहले हमें एक ही चीज नजर आ रहा है जो है इनसाइड बार, और एक और चीज देखिए यहां पर हायर हाइज की फॉर्मेशन हुई थी और लोअर हाइज की फॉर्मेशन हुई थी, जो कि कहता है कि जब ट्रेंड हायर हाइज और लोअर हाइज मिला रहा है, बना रहा है, तो उसे अप ट्रेंड बोला जाता है। और वो अप ट्रेंड है कि पुल बैक है वो बाद में पता चलता है, लेकिन अभी फिलहाल तो निफ्टी की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। यहाँ पर नया हाइज या न्यू हायर हाई नहीं बना है लेकिन लोअर हाई बना है। ये इनसाइड बार है जो कि एक न्यूट्रल कंडीशन को बताता है, दर्शाता है कि आने ये वाले जो वीक था, लास्ट वीक था, उस पर जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स थे एक न्यूट्रल स्टांस लेकर चल रहे थे। वैसे अर्निंग सीजन भी शुरू हो गई है तो इस तरह की न्यूट्रल स्टांस आपको कई बार दिखेंगी। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप इनसाइड बार की बात करते हैं, हम लोग ने इनसाइड बार की बात पहले भी की है, इनसाइड बार की जब हम बात करते हैं तो ये जो बेबी बार होता है इसकी जो प्लेसमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि बेबी बार अपने आप को किस जगह प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस इनसाइड बार में ये बेबी बार ने अपने आप को मदर बार के ऊपरी रेंज में, अपर रेंज में, अपर हाफ में प्लेस किया है, तो इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग इनसाइड बार माना जाएगा। अगर ये नीचे की तरफ रहता या बीच की तरफ रहता तो उतनी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं रहती, लेकिन अभी फिलहाल इसने अपने आप को ऊपरी रेंज पे प्लेस किया है तो एक इंपॉर्टेंट इनसाइड बार हम इसको मानते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि इस वीक का लो जो लास्ट वीक है उसका लो एक इंपॉर्टेंट लो है, 15,850 का लो एक इंपॉर्टेंट लो है, और हमारी आशा है कि यहाँ पर निफ्टी इस लो को होल्ड करके रखे तो ये पहला रेफरेंस पॉइंट हमें मिलता है जो कि है 15,850 का। अगर इसके नीचे जाता है तो हम डेली चार्ट पे और क्लोजली देखेंगे कि कौन से लेवल्स को निफ्टी ट्रैक कर सकती है। ऊपर की तरफ डेली चार्ट पे जाएंगे तो देखेंगे कि कौन कौन से लेवल्स हमें काम पे लगा सकते हैं या कौन कौन से लेवल्स को हम काम पे लगा सकते हैं। तो मैं जैसे मैंने आपको कहा कि मैं ज़्यादा लेवल्स पे काम नहीं करता, एट ए टाइम एक लेवल लेता हूँ और उस पर काम करता हूँ। तो अब आ जाते हैं डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे कुछ इंटरेस्टिंग है, पहला मूव देखिए यहाँ पर ये जो है हायर हाइज और हायर लोज का सिलसिला आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, ये देखिए यहाँ पर, तो अगर आप डाउ थ्योरी जानते हैं या आपने डाउ थ्योरी के बारे में पढ़ रखा है तो जहाँ पर हायर हाइज हायर लोज बनते हैं वहाँ पर हम कहते हैं कि मार्केट जो है वो अपनी ट्रेंड को ट्रांजिशन कर रही है, लेकिन ये किस लेवल पे जो ट्रेंड एक्चुअली ट्रांजिट होता है ये समझना ज़रूरी होता है। खैर अभी उसकी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हायर हाइज हायर लोज का सिलसिला हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये जो ब्रेकआउट लेवल्स था, यहाँ पर जो ब्रेकआउट लेवल्स थे, यहाँ जो ब्रेकआउट लेवल्स थे उसको रीटेस्ट करता हुआ निफ्टी दिखाई दे रहा है। अगेन एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, ब्रेकआउट रीटेस्ट,
जो कि हमें बताता है कि कॉन्फिडेंस है मार्केट में, जो बाइंग पार्टिसिपेंट्स हैं, जो खरीद रहे हैं मार्केट में, उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि यहां पर इसी जोन को रीटेस्ट किया गया है। थर्डली अगर आप देखोगे, ये हमारा RSI है और RSI के ऊपर हम लोगों ने एक मोमेंटम मैजिक इंडिकेटर जिसे मैं बोलता हूं वो प्लॉट किया है, और जब भी RSI इस इंडिकेटर के ऊपर होती है तो वो एक तरह से पॉजिटिव मोमेंटम हमें बताती है। यहाँ पर देखिए, पिछले जब भी RSI इस अपने इस मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर रही है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम का हम लोगों को इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ पर मोमेंटम जो है वो भी पॉजिटिव है। तो देखिए, ट्रेंड पॉजिटिव, मोमेंटम पॉजिटिव, अभी दो चीज़ हमें पॉजिटिव मिल गई। ओवरऑल मार्केट ब्रेथ एनालिसिस वगैरह हम अभी मार्केट टाइमिंग मॉडल पर जाएंगे तब करेंगे, और साथ ही साथ हम देखेंगे किस तरह से हम ओपन इंटरेस्ट को भी देख के एक व्यू बनाएंगे कि क्या हम जो चार्ट्स पे देख रहे हैं वो फ्यूचर्स में भी या ऑप्शंस में भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये ब्रेकआउट करके रीटेस्ट और यहाँ पर अच्छा मूवमेंट होता हुआ, अगर अब निफ्टी इस लो को बचा लेती है आने वाले हफ्ते में, 15,850 के लोस को अगर निफ्टी आने वाले हफ्ते में सेव कर लेती है तो एक अच्छा मूवमेंट हम लोगों को ऊपर की तरफ मिलेगा। अच्छा, ऊपर की तरफ देखिए, एक जोन जो बार बार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निफ्टी ने टक्कर मारी थी, अगर आप हमारे साथ हमारे प्रीवियस सेशन में थे, प्रीवियस संडे के सेशन में थे, तो ये जोन हम लोगों ने वहीं पर मार्क किया था और आपके साथ ये डिस्कस भी किया था कि ये जोन एक इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है, यहाँ पर थोड़ी सप्लाई हम लोगों को देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो हेल्दी रिट्रेसमेंट की बात की थी वो हेल्दी रिट्रेसमेंट हमें मिलता है। अभी इंपॉर्टेंट जोन ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ये दोनों की बात करते हैं। ऊपर की तरफ अगर निफ्टी को स्ट्रेंथ दिखानी है तो 16,250 के ऊपर बहुत अच्छा मूवमेंट निफ्टी को करना पड़ेगा, नंबर वन। नीचे की तरफ अगर निफ्टी को अपने आप को सेव करना है तो 15,850 का लेवल्स निफ्टी को सेव करना पड़ेगा। तो ये दो जोन हम लोगों को मिल गए, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किस लेवल से हो तो किस लेवल्स की हम रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं कि ये ब्रेकआउट लेवल है, ये ब्रेकडाउन लेवल है। सेकेंडली, अगर ब्रेकआउट होता है तो किस लेवल तक जा सकता है और किस लेवल पे हमें ध्यान देना चाहिए, ब्रेकडाउन होता है तो किस लेवल पे आ सकता है और किस लेवल पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम देखते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे, ये लेवल एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां पर ये गैप भी है और उसके बाद यहां पर एक सप्लाई भी मिली थी, प्रीवियस रेजिस्टेंस भी था, स्विंग भी है। तो ऊपर की तरफ अगर 16 यहां पर इस हाइज के ऊपर जाती है, अगर 16,250 के ऊपर जाती है, देन द नेक्स्ट लेवल जो हम देखते हैं 16,800 के आसपास का लेवल हम आशा कर सकते हैं कि निफ्टी 16,800 के आसपास जाके कंसोलिडेट करे या थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिले। अगर नहीं मिलती है तो वो बाद में उस लेवल पे पहुंच कर हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी की, अभी फिलहाल हम एक ही लेवल की बात करेंगे, 16,850। तो यहां पर 16,850 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल। अगर ये लेवल टूट जाता है, नीचे की तरफ आता है, ये लेवल टूट जाता है, देन यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये वाला लेवल, ये जो हैमर है, ये लेवल जो लास्ट वीक का लो है, जो मदर बार का लो है, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि है 15,500 का लेवल। सो 15,500 का लेवल अगर यहां पर 15,850 टूटता है तो 15,500 आने की आशंका ज्यादा है, और अगर यहां पर जो कि 16,250 ऊपर की तरफ ब्रेक होती है, देन वी कैन गो थ्रूवर्ड्स 16,800। तो ये इस तरह से आपको मैंने ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल्स दे दिए, साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देख लिया कि किन लेवल्स पे निफ्टी जा सकती है। देखिए, बहुत सारे लेवल्स देख के कन्फ्यूज करना मैं कभी भी कतई नहीं चाहता, मेरी इंटेंशन यही रहती है कि एक बार में एक लेवल्स के साथ काम करें, वन लेवल एट अ टाइम। अगर यहाँ पर प्राइस आएगी और उसके बाद प्राइस कैसा बिहेव करेगी हम बाद में एनालाइज करेंगे, उसके बाद मोमेंटम कैसा रहता है, प्राइस क्या रहता है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ऊपर जा सकता है कि नीचे जा सकता है या कंसोलिडेट कर सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसकी हम बात करेंगे। सेकेंडली, हम आ जाते हैं अपने मार्केट टाइमिंग मॉडल पे। देखिए, मार्केट टाइमिंग मॉडल जो है ये हम लोगों ने अपने आप अपना बनवाया है, और यहां पर देखिए मार्केट टाइमिंग मॉडल हम लोगों को यहां पर इस जगह पर 27 जून को एक सिग्नल देता है कि दिस इज द लास्ट, और यहां पर 27 जून के बाद देखिए मार्केट टाइमिंग मॉडल की कलर जो है वो चेंज होगी, जो हमें बताती है कि यहां से सिस्टम्स में जितने शॉर्ट थे वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो गए, अभी शॉर्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे लॉन्ग में। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन, यहाँ पर देखिए ये स्ट्रेंथ इंडिकेटर है जो हमें बताता है, जीरो लाइन के ऊपर जाते ही स्ट्रेंथ दिखाता है। बाकी ये देखिए, ये वाले जो इंडिकेटर है ये भी हमें स्ट्रेंथ दिखाता है। देखिए, यहाँ पर जो सेलिंग थी वो बहुत इंटेंस थी, यहाँ सेलिंग कम होती है और वापस जो तीसरे मूव में यहाँ पर सेलिंग और भी कम हो जाती है, तो इसका मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप
यहाँ हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो मार्केट टाइमिंग मॉडल को हम इस तरह से यूज करते हैं, हमारे प्रोग्राम में हम देते हैं। तो ये निफ्टी की एनालिसिस। अब आते हैं बैंक निफ्टी में, और मैंने आपको कहा कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है, कैसे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर पहला, सबसे पहला यहाँ पर देखो, बैंक निफ्टी हायर हाइज और हायर लोज तो बनाते चल ही रहा है। निफ्टी ने इस वीक नया हाई नहीं बनाया, लेकिन यस, बैंक निफ्टी ने नया हाई इस वीक प्रिंट किया, नंबर वन। नंबर टू, ये जो गैप डाउन यहां पर हुआ था, ये वाला गैप अगर आप ध्यान है आपके, तो निफ्टी में ये वाला गैप फिल नहीं हुआ है और बैंक निफ्टी में ये वाला गैप फिल हो गया है। अगेन अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दैट द बैंक्स मे आउट परफॉर्म और द बैंक्स आर आउट परफॉर्मिंग, राइट। तो बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बैंक आउट परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले दिनों में भी। तो यहां पर वीकली चार्ट पर सिर्फ इतना ही एनालिसिस हमें करना है कि हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं और ये एक गैप फिल हो गया, तो स्ट्रॉन्ग है वीकली चार्ट पे। बाकी अगर आप देखोगे तो वो ट्रेंड लाइन वगैरह आप ड्रॉ कर लो, जितना करना है कि यहां से ब्रेकआउट मिल गया, ट्रेंड लाइन रीटेस्ट हो रही है, दैट इज ऑल यू कैन डू, राइट। जितने स्टडीज को आप कन्फ्लुएंस कर सकते हो उतना बेटर है। अब हम डेली चार्ट पे आते हैं। अब आप डेली चार्ट पे आके देखोगे तो डेली चार्ट पे इंटरेस्टिंग चीज है। सबसे पहले ये मूवमेंट आप देखो, यहां पर जो हम लोगों को करेक्शन मिली है उनमें जो वॉल्यूम्स है वो अबव बिलो एवरेज वॉल्यूम्स है। मतलब कि यहां पर जो सेलिंग है रियल सीरियस सेलिंग नहीं है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उन्होंने सेलिंग नहीं कही है। दूसरा, यहां पर देखिए, ये एक गैप का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, यहां पर एक गैप अप हुआ था उसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तीसरा, ये अभी अपने इस गैप के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। और चौथा, यहां पर ये ब्रेकआउट लेवल है, यहां पर ये बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट लेवल है, तो ये ब्रेकआउट लेवल को भी रीटेस्ट कर रहा है। बहुत सारी चीजें यहां पर आकर मिल रही है जो हमें ये बता रही है कि यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बायर्स की हो सकती है टुकड़ी जो है वो यहां बैठी रहे और उसके यहां पर आने के, या तो यहीं से घूम जाए या थोड़ा नीचे आकर 50 दिन के मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करे, उसके बाद वहां से घूम जाए। लेकिन ओवरऑल हम कह सकते हैं बैंक निफ्टी में अभी स्ट्रेंथ है। तो अगर स्ट्रेंथ है तो कौन से लेवल्स को हम लोगों को ध्यान देना है? सबसे पहला, ये गैप का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये गैप अप था तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो ये गैप का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 34,400 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, एंड वी विश कि ये जो सपोर्ट है ये यहां पर बैंक निफ्टी होल्ड करके रखे, नंबर वन। नंबर टू, अगर यहां से मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलती है तो यहां पर अगर आप देखो तो दो तीन चीजें एक साथ आ जा रही है। पहले तो ये एक स्विंग आ जा रहा है यहां पर, जो कि एक सप्लाई जोन हो सकता है। दूसरा, ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज भी यहां पर आ रहा है, तो ये भी एक सप्लाई की तरह काम कर सकता है। तो यहां से अगर मूवमेंट ऊपर मिलती है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2000 पॉइंट की मूवमेंट हम लोगों को ऊपर की तरफ मिले, अगर यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो 2000 पॉइंट की मूवमेंट हम यहां से ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर यहां से मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो ये वाला जो स्विंग है जो कि 33,000 के आसपास है वहां तक हम लोगों को मूवमेंट मिलेगी। तो 2000 पॉइंट ऊपर, 1500 पॉइंट नीचे, यहां पर हम लोगों को ये मूवमेंट मिल रहा है बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और जैसे मैंने आपको कहा बहुत सही तरीके से प्लेस्ड है। देखिए, अगर आप यहां पर एक चैनल बनाओ और यहां से एक चैनल से अगर आपको ब्रेकआउट मिले तो एक अच्छा मूवमेंट यहां पर हम बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले हफ्ते में। अच्छी मूवमेंट हम लोगों को बैंक निफ्टी में मिल सकती है। कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न, देखिए कप है उसके हैंडल यहां पर बन रहा है, तो एक अच्छा पैटर्न हम लोगों को यहां पर मिल सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने आपको कहा कि यह वॉल्यूम्स, प्राइस नीचे गिर रही है, वॉल्यूम्स नहीं बढ़ रही है, तो इसे हम कहते हैं कि वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस जो हम करते हैं वहां पर इसे कहते हैं कि भाई ये जो है सीरियस सेलिंग यहां पर नहीं दिखाई दे रही है। और इसके ऊपर बहुत डीप में चर्चा होती है हमारी, हमारे प्रोग्राम में हम बहुत डीप में चर्चा करते हैं। फिलहाल अगर आपको इसके बारे में जानना है, थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस क्या होती है और उसको यूज करके आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो ये हमारा एक VSA वाला प्रोग्राम है, और दूसरा ये CPAT, ये हमारा बहुत फेमस प्रोग्राम है फ्रेंड्स। बहुत लोगों ने इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब किया, बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्स मिली इस प्रोग्राम की। तो आप ये कॉम्प्रिहेंसिव प्राइस एक्शन टेक्निक और वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, ये दो प्रोग्राम आप देख सकते हो। छोटे प्रोग्राम है और आपको एक अच्छा व्यू देगा। तो अगर आप मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम, हमारा जो मेन प्रोग्राम है, उसको ज्वाइन नहीं करना चाहते या उसको अभी ज्वाइन नहीं करना चाहते, थोड़े दिन बाद में करना चाहते हो, थोड़ा आप सैंपल चाहते हो कि क्या मिल सकता है, तो ये दो प्रोग्राम आप एक बार लेके देखो, तो उसी में आपको काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा। खैर, मार्केट ट्रेडर प्रोग्राम तो एक अलग प्रोग्राम है, पूरा ऑल टुगेदर दूसरी चीज़ है। देखिए, मास्टर ट्रेडर के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इससे हम अपने प्रोग्राम को डिलीवर करते हैं, ये हमारा प्रोग्राम का डिलीवर करने का तरीका है। यहाँ पर आप देखिए, ये प्रोग्राम जो है दोनों भाषा में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। साथ ही साथ हमारी कम्युनिटी जो है
वो यहाँ पर लगातार हम यहाँ पर पोस्टिंग वगैरह करते रहते हैं, लगातार लर्निंग जो है यहाँ चलती रहती है। देखिए और किस तरह से लोग जो है फ़ायदे में हैं, लोग काफ़ी सीख रहे हैं, लोगों का काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। यहाँ पर काफ़ी फीडबैक आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि पहले ही एक महीने में दो महीने में लोगों ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट कर लिया। यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ प्रॉफिट जो ये पोस्ट करते हैं, थोड़ा सा हमें भी प्रोत्साहन मिलता है कि यस हम जो कर रहे हैं वी आर ऑन द राइट पाथ, हम जो सिखा रहे हैं एकदम सही है। और इस तरह से यहाँ पर देखिए किस तरह से चार्ट्स वगैरह शेयर होती है, सब डिस्कशंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग, हैंड होल्डिंग इसी तरह से होती है फ्रेंड्स। और इसी तरह से आपको सिखाया जाता है कि किस तरह से मार्केट को आपको अप्रोच करना चाहिए और वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपको देखिए यहाँ पर, आप यहाँ पर खुद ही देख लीजिए कि इनक्रेडिबल प्रोग्राम और ह्यूज इम्प्रूवमेंट इन हाउ आई लुक एंड एनालिस्ट द चार्ट्स। फर्स्ट थ्री मॉड्यूल कंप्लीट करने के, अभी तक फर्स्ट थ्री मॉड्यूल ही कंप्लीट की है, लेकिन इनको काफ़ी इसमें फ़ायदा दिखाई दे रहा है। देखिए और किस तरह से जो अपने प्रॉफिट्स ये पोस्ट करते हैं और किस तरह से आप देखिए इनको फ़ायदा होता है। तो आप चाहो तो ये प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। इस प्रोग्राम की डिटेल आपको यहाँ मेंटरशिप में, हमारी वेबसाइट में आप आओगे तो मेंटरशिप में आपको इस प्रोग्राम की डिटेल मिलेगी। आप जाके फर्दर आप इस प्रोग्राम के बारे में वहाँ जान सकते हो। यहाँ पर देखिए और ये मतलब कि वन ऑफ इट्स काइंड प्लेटफॉर्म है जो हम लोगों ने स्पेशली डिज़ाइन किया है एडुकेशन के लिए ही। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम एक एक चीज़ के एनालिसिस करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि आपको एक हैंड होल्डिंग मिले मार्केट में। तो ये हमारा मास्टर ट्रेड प्रोग्राम है, आप यहाँ पर आ सकते हो। तो चलिए वापस अभी चार्ट्स के पास चलते हैं। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर थोड़ा डिसएग्रीमेंट दिखा रहा है, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ हम लोगों को मिलेगी। अब एक बार हम USD INR में भी आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर एक हाई वेव कैंडल बना है, हाई वेव कैंडल ऑन हाई वॉल्यूम्स बना है डेली चार्ट पे, जो कि बताता है कि यहाँ पर थोड़ी सी नर्वसनेस जो है वो सिस्टम में आती हुई दिखाई दे रही है। और आप यहाँ देखोगे बहुत जैसे मुकम्मल कैंडल्स जिसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मुकम्मल कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जो यहाँ बन रहे थे, उस तरह की एडवांस में यहाँ पर इस एडवांस में उस तरफ की कैंडल नहीं बनती हुई दिखाई दे रही। तो थोड़ी सी वोलेटिलिटी जो है वो लग रही है मार्केट में आ चुकी है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स ये देखिए आउटराइट कोई भी चीज़ अगर 52 वीक्स हाई पे ट्रेड कर रही है तो उसका आउटराइट शॉर्ट करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बेवकूफ़ी हो सकती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जब एडवांस में वॉल्यूम्स थी, अब एडवांस के साथ जो है वॉल्यूम्स भी कम होती दिखाई दे रही है। तो ये बता रही है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत नर्वसनेस या थोड़ा बहुत मोमेंटम यहाँ कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब तक हमें कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा, जब तक हम इसमें कुछ खास डिसीजन नहीं लेंगे, हाँ एक बार ये जो हाई वेव डोजी है इसके लो को तोड़ता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा रुपी है थोड़ा तेज हो और एक आधा रुपये यहाँ से गिर के 78 के आसपास हम लोगों को रुपी आ जाए। तो ये चीज़ USD INR में आपको देखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड। बहुत ग्लोबल मार्केट्स में बहुत ही अच्छी रिकवरी मार्केट्स ने पोस्ट की थी। यहाँ पर अगर मैं आपको US 30 के चार्ट्स को दिखाना चाहता हूँ और वीकली चार्ट को दिखाना चाहता हूँ, मैंने इसको ट्वीट भी किया है। यहाँ पर आप देखो कि तीन बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, हैमर पैटर्न है तीनों। देखिए ये स्ट्रॉन्गर है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्गर है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न है। अच्छा अब आप इसे समझने की कोशिश करो कि हैमर पैटर्न बताता क्या है। और तीन बैक टू बैक मतलब तीन हफ्ते से लगातार कोई नीचे बैठा है जो मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहा है। आप देखिए लोअर हाईज और लोअर लोज बन रहे हैं। आप एक बार इंटरनल समझ जाए तो आपको समझ, आपकी समझ जो है पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। देखिए प्राइस में लोअर हाई लोअर लोज बन रहे हैं, लेकिन प्राइस इंटरनली क्या कर रही है, कोई भी कमजोरी आ रही है, कोई भी सेलिंग आ रही है उसको तुरंत एब्जॉर्ब कर रही है। और ये पिछले तीन हफ्तों से चल रहा है, एक नहीं दो नहीं तीन हफ्तों से चल रहा है। मतलब कि कोई ना कोई बड़े भैया नीचे बैठे हैं जो नहीं चाहते हैं कि मार्केट अभी यहाँ से नीचे जाए, इसीलिए लगातार वीकली चार्ट्स पे बैक टू बैक हैमर्स आना एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्लीकेशंस होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्लीकेशन होता है। और यहाँ पर कोई ना कोई भैया जैसे यहाँ बैठे हैं जो चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाए, रिकवर करे, तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है ये फ्रेंड्स। और अगर यहाँ ये लो टूट जाता है तब तो भाई यहाँ पर भसान होने वाला है, आप ये समझ के रखो। तो हमारी आशा एक्सपेक्टेशन यही है कि ये जो है ट्रू एक्यूमुलेशन हो और यहाँ पर इस लेवल के ऊपर जाते ही मार्केट में हमें चेंजेस देखने को मिले। डेली चार्ट पे भी आप देखोगे फ्राइडे को बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हम लोगों को मिली है एक हैमर बनने के बाद,
तो बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिली है, अबव एवरेज वॉल्यूम है, एक मॉर्निंग स्टार टाइप ऑफ पैटर्न, और यहाँ पर देखिए आप एक अच्छा एक्यूमुलेशन पैटर्न भी बन रहा है। तो एक बार ये अपने इस जोन से निकल जाए, 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लग जाए, तो आप ये समझ जाना कि अच्छी मूवमेंट हम लोगों को मिल सकती है। और US मार्केट्स अगर स्टेबल होते हैं तो अफकोर्स इसका मतलब कि ग्लोबल मार्केट्स भी स्टेबल है, तो काफ़ी अच्छा है। और नैसडैक में भी अगर आप देखोगे, नैसडैक भी यहाँ पर जिसे हम राइजिंग वेज बोलते हैं या एक्यूमुलेशन वेज बोलते हैं, या आप इसे बिगिनिंग डायगनल बोलिए, इनिशियल डायगनल बोलिए, जो भी बोलिए, वॉट एवर नेम यू कैन कॉल इट, ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक बॉटमिंग प्रोसेस है, तो जब तक इन सब के लोज इंटैक्ट है, हम ये कह सकते हैं कि मार्केट्स आर एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है मार्केट्स में, राइट। लास्ट वीक प्रॉफिट बुकिंग आई, ये सब चलती रहती है, लेकिन यस ओवरऑल मार्केट में कुछ स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, ओवरऑल मार्केट कुछ सांस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब तक लोज इंटैक्ट है, वी आर वेरी गुड, राइट। हम यही अज्यूम करके चलते हैं कि मार्केट जो है यहाँ से अच्छा होगा, एक बॉटमिंग प्रोसेस जो है वो क्रिएट होना शुरू हो गया। बाकी आप न्यूज़ फ्लो देखोगे, न्यूज़ फ्लो काफ़ी नेगेटिव है, IMF उल्टी बातें लेके आ रहा है, बाकी ब्रोकरेजेस जो है डाउनग्रेड्स वगैरह बहुत कुछ हो रहे हैं। तो जनरली मार्केट जब बॉटम करते रहता है, ये प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ बॉटम होता है जब न्यूज़ फ्लो इस तरह से नेगेटिव होते हैं। तो ये US मार्केट्स अगर आप देखिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम लोग को US मार्केट्स दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है मार्केट फ्रेंड्स, तो रेडी रहिए। और मैं देखिए आपको सबको कह रहा हूँ कि दिस इज द टाइम, मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाएगा फ्रेंड्स, तो वापस आपको एक मार्केट मौका देगा कमाने का, पैसे कमाने की मौका मिलेगा आपको। तो इसीलिए सीखिए फ्रेंड्स, सीखना शुरू कर दीजिए, स्टार्ट लर्निंग, क्योंकि अगर आप खुद सीख कर कमाओगे तो उसकी बराबरी, उसकी तुलना, उसकी कंपैरिजन नहीं है। देखिए कॉल, टिप्स, रिसर्च, ये सब से पैसे हो सकता है टेम्पररी बने, लेकिन हम जानते हैं कि ये सब से एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकता। देखिए आप मानो या मत मानो, दिल ही दिल में तो आप जानते हो कि आप जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। भाई मैंने भी ये सब एक्सपीरियंस किया है, मैं भी बहुत कॉल्स, टिप्स वगैरह सब लेता था अपनी इनिशियल दिनों में, लेकिन एट अ पॉइंट मुझे समझ में आ गया कि भाई अब खुद नहीं सीखोगे, खुद हार्डवर्क नहीं करोगे, खुद मेहनत नहीं करोगे, तो मार्केट जो है वो रिवॉर्ड नहीं देने पाएगी। मार्केट को तुरंत पता चल जाएगा कि भैया आपने कहीं ना कहीं से शॉर्टकट मारा है, और मार्केट आपको छोड़ेगा नहीं। तो देखिए मैं अगर आप लेना चाहते हो तो मैं डिस्करेज नहीं करता, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा पैसा, मुकम्मल जो पैसा बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग मनी जिसे हम एक बोलते हैं कि एक पूरा इनकम का सोर्स जो बने, वो जब तक आप खुद नहीं सीखते हो, अपनी एनालिसिस से ही आप कमा पाओगे, और आप ये मन ही मन में जानते हो कि मैं सही बैठ रहा हूँ। तो लर्निंग पे ध्यान दें, किताबें पढ़े, प्रोग्राम्स ज्वाइन करें, लर्निंग पे जरूर ध्यान दें। तो ये US 30 के बारे में। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल देखिए इंपॉर्टेंट लेवल पे है, डेली चार्ट पे हम आते हैं। यहाँ पर देखिए एनालिसिस मैं क्रूड ऑयल की कर ही रहा था, तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे है नंबर वन, दूसरा 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास भी सपोर्ट ले रहा है, तीसरा एक फॉलिंग चैनल में है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो क्रूड ऑयल में ऊपर की मूवमेंट आ सकती है। कहाँ तक आ सक्ती है फ्रेंड्स, देखिए ये मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर क्रूड ऑयल में ज़्यादा अपसाइड मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ऑफकोर्स एक रेंज के अंदर क्रूड ऑयल यहाँ पर घूम सकती है, ओके, एक रेंज के अंदर क्रूड ऑयल यहाँ पर घूम सकती है, और अगर ये 200 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ती है देन ऑफकोर्स एक नीचे का रास्ता हम लोगों को देखने को मिलेगा। आप देखो काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर RSI जो है वो 40 के नीचे जाता हुआ हम लोगों को दिखाई दिया है, तो एक सीरियस मोमेंटम लॉस तो यहाँ पर हुआ ही है। तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि क्रूड ऑयल आइदर इट विल मूव इनटू अ साइडवेज जोन फॉर सम टाइम, जैसे कि यहाँ पर 3-4 महीने के लिए साइडवेज चला गया था, वैसे हो सकता है यहाँ पर 3-4 महीने के लिए साइडवेज चले जाए, या यहाँ से अगर ऊपर आता है तो यहाँ पर इस स्विंग के पास क्रूड ऑयल कैसा बिहेव करता है 105 के आसपास हमें वो देखना होगा। अगर 105 के आसपास आके क्रूड ऑयल थोड़ा कमजोर दिखाई देता है देन इट विल बी अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन क्रूड ऑयल, वो आप अपने आप देख लीजिए कैसे शॉर्ट करेंगे क्या करेंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्रूड ऑयल यहाँ पर साइडवेज दिखता है थोड़ा बहुत और 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास है। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यही था कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास है, तो यहाँ से एक बाउंस अगर मिलेगा तो ये वाला लेवल जो है 105 का लेवल जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का। तो ये क्रूड ऑयल के बारे में। अब हम जैसे मैंने आपको कहा कि 3 सेक्टर के बारे में बात करेंगे, तो 3 सेक्टर जो मैंने मुझे लग रहा है कि आने वाले मार्केट में आने वाले समय में जो पूरे बुल रन को लीड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड ऐसा जनरली होता है कि जो सेक्टर प्रीवियस बुल रन में लीडर्स रहे थे वो ज़रूरी नहीं है कि अभी इस बुल रन में भी लीडर्स हो। देखिए हमारी गलती क्या होती है ना कि हम एंकर्ड रहते हैं, हमारा दिमाग जो है एंकर्ड रहता है,
जैसे कि पिछले बुल रन में अगर आप देखोगे मेटल्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आप देखोगे आईटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एनर्जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो हम एक तरह से अपने दिमाग को एंकर कर लेते हैं कि यार ये जो था, जैसे कि टाटा स्टील, मैं आपको जस्ट दिखाता हूं एक एग्जांपल, या वेदांता, समझिए वेदांता की बात करते हैं, मेटल स्टॉक है, मेटल माइनिंग जो भी है, तो अपने दिमाग में एक एंकर कर लेते हैं अपने आप को कि अपने को लगता है यार ये पिछले बार जो था ये 440 मतलब कि नीचे से ये ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो गया, तो अपने दिमाग में एक एंकर बन जाता है कि 440 ये हाई गया था, अभी ये 227 पे ये आधे दाम में मिल रहा है, हाँ आधे दाम में मिल रहा है, और पिछले बार इसने 440 बनाया था तो देर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि ये 440 बना, ऐसा अपने दिमाग में अपने एंकर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये जो साइकिल है वो स्ट्रक्चरल चेंज में चला जाता है, राइट right? तो जो प्रीवियस बुल मार्केट्स में जो लीडर्स थे वो इस बुल मार्केट में लीडर्स नहीं होंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है। अब आईटी के बारे में सोचिए, जैसे कि आप समझो टीसीएस के बारे में बात करते हैं, तो टीसीएस अगर आप देखोगे, या देखिए यहां पर क्या मूवमेंट जबरदस्त पिछले बुल मार्केट, अभी देखिए यहां से ऑलमोस्ट एक तरह से गिरावट इसमें आ गई है, तो पिछले बुल रन में टीसीएस ने लीड किया था, दे वर द लीडर्स, टीसीएस, एससीएल, टाटा एलेक्सी, केपीआईटी, ये सब की बात करें जो आईटी रिलेटेड स्टॉक्स है, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी आप देखो एक स्ट्रक्चरल चेंज आपको दिखाई देगा, तो जो पिछले बुल मार्केट के लीडर्स थे वो जरूरी नहीं है इस बुल मार्केट में लीड करें, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो कौन से स्टॉक्स या कौन से सेक्टर्स, स्टॉक तो हम बता नहीं सकते, रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं, तो कौन से सेक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करें जो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है। सबसे पहले मैं आपको निफ्टी फाइनेंस की बात करूंगा, निफ्टी फिनसर्व या निफ्टी फाइनेंस, देखिए बैंकिंग फाइनेंस दे आर इक्वली, दोनों एक ही जैसे रेप्लीकेट करते हैं, दोनों के इमेज सेम है, तो यहाँ पर देखिए बैंकिंग, जब मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूँ तो मैं बैंकिंग की भी बात कर रहा हूँ, तो आप दोनों को समझ के रखिए। यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट हुआ है, अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर है, RSI अपने मैजिक लाइन के ऊपर है, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि इंपॉर्टेंट जो स्टॉक्स हैं, जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो छोटे स्टॉक्स हैं ऑलरेडी मूवमेंट करना शुरू कर दिए हैं, तो अब धीरे धीरे बड़े स्टॉक बेचेंगे, तो फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जो मैं चाहता हूं कि आप अपने रडार पे रखें, आपको अच्छी मूवमेंट फाइनेंस से मिल सकती है। सेकंड सेक्टर जो है वो है ऑटो। ऑटो देखिए, ऑटो सेक्टर ने ऑल टाइम हाई बनाया है निफ्टी में, राइट, ऑटो, निफ्टी ऑटो की बात करें, ऑल टाइम हाई बनाया है, और अभी भी ऐसे बहुत से ऑटो के स्टॉक्स हैं जो कि अभी ब्रेकआउट हो रहे हैं या एट द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, तो अगर यहाँ से ये सस्टेन करता है, राइट, अगर ये यहाँ पर सस्टेन कर लेता है, यहाँ से मूवमेंट ये अपनी कैरी फॉरवर्ड करता है, तो ऑटो विल बी द नेक्स्ट लीडर, तो ऑटो यहाँ पर लीड कर सकता है। तीसरा सेक्टर है FMCG, निफ्टी FMCG की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा, अभी यहाँ पर अपने प्रीवियस हाइस के पास चला गया है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलता है तो FMCG की मूवमेंट अच्छी हो सकती है। FMCG के स्टॉक्स को अगर आप देखोगे या कंज्यूमर स्टॉक्स को देखोगे तो उनमें ब्रेकआउट अभी आया है, इसका मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो इंडेक्स है ये ओवरऑल ब्रेकआउट कर जाएगा। एक सेक्टर और डार्क हॉर्स सेक्टर जिसे हम बोलते हैं निफ्टी रियलिटी फ्रेंड्स, देखिए बहुत, जैसे कि पिछले कई महीनों पहले ये बहुत ओवरक्राउडेड हो गया था, यहाँ पर ये देखिए बहुत सब लोग, राइट, मीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, सोशल मीडिया हो, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, कहीं पर भी आप देखो सिर्फ और सिर्फ रियलिटी की बात हो रही थी, एक स्ट्रक्चरल चेंज आ गया स्टोरी में, राइट, और एक बाउंस बैक का की बात हो रही थी, तो ये जो होता है ना ये उस समय बहुत ओवरक्राउडेड हो जाता है, ये सेक्टर बहुत ओवरक्राउडेड हो जाता है, सब लोग क्या है ना कि उसकी स्टॉक्स को लेके बैठ जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है ना, जो बड़े भैया होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह का गेम खेलते हैं कि भैया निकलो, तो झाड़ पूछ के ऐसे मक्खी के तरह सबको मार मार के शेकआउट करके सबको निकाल देते हैं, और उसके बाद जब सारी जो यहाँ पर जो ओवरक्राउडेड जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पर जब भीड़ यहाँ पर कम हो जाती है, देन ये एक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है। देखिए तो फाइनेंस रिलेटेड है ऑटो से, रियलिटी रिलेटेड है ऑटो से, तो ये सब आप देखिए, सब ये जो चेन है पूरा, ये एक अलग चेन टाइप ऑफ फॉर्मेशन बना है, तो आने वाला बुल रन आप ये समझ के रखिए, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये जो सेक्टर्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये लीड करें। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, तब तक के लिए मैं भरत झुनझुनवाला आप सबसे इजाजत मांगता हूँ, कीप बर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जय हिंद।